नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 28 जुलाई, दिन रविवार। खबर की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इस ऐप के जरिए रियल टाइम में मिलेगी बाढ़ और सिंचाई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। बिहार में आयोजित श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं को मिल रही कई सुविधाएं। बीपीएससी की तरफ से बहाली हुई 10 शिक्षकों के कागजात में मिली गड़बड़ी। इस रक्षाबंधन में डाक विभाग की अनोखी पहल। आज 38 डिग्री तक जा सकता है प्रदेश में अधिकतम तापमान। पहले T20 में श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम की बड़ी जीत। अब चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी के माध्यमिक शिक्षा विभाग में एमटीएस के कई पदों पर निकली भर्ती। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग में एमटीएस के कई पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट sevayojan.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत कुल 401 पद भरे जाएंगे। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं पास किया हो। आपकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। इस ऐप के जरिए रियल टाइम में मिलेगी बाढ़ और सिंचाई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। बिहार में जल प्रबंधन के आधुनिकतम तकनीक अपनाने की दिशा में बिहार ने एक और कदम आगे बढ़ाया है, जिसके तहत बाढ़ और सिंचाई से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को संबंधित अधिकारियों, अभियंताओं और लोगों तक रियल टाइम में पहुंचाया जाएगा। ये काम बेफिक्र ऐप की मदद से किया जा रहा है। इसके जरिए प्रमुख बैराजों में जल स्राव, नदियों के जलस्तर और पूर्वानुमान, वर्षा आदि से संबंधित जरूरी आंकड़े और अलर्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा किसी भी असामान्य स्थिति जैसे अधिक वर्षा, जलस्तर में तेजी से वृद्धि आदि का पूर्वानुमान अनुमान होने पर सूचना और अलर्ट खुद ही प्रसारित होने लगेगा। इसके अलावा सिंचाई योजनाओं और जलाशयों व नहरों में जल की उपलब्धता से संबंधित जरूरी सूचनाएं संबंधित क्षेत्र के उपयोगकर्ताओं को मिल सकेगी। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे अशोक शेखर गांगुली के बारे में। अशोक शेखर गांगुली एक भारतीय उद्योग विशेषज्ञ और हिंदुस्तान लीवर के पूर्व अध्यक्ष हैं। वह राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रह चुके हैं। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1935 में पटना में हुआ था। ये भारत के प्रधानमंत्री के विज्ञान सलाहकार परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक भी रह चुके हैं। ये अपने सराहनीय कार्यों की वजह से कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं, जिसमें पद्म विभूषण और पद्म भूषण जैसे सम्मान शामिल हैं। 4 से 8 महीने के मादा पशुओं को दिया जा रहा निःशुल्क टीकाकरण। राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2024 चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 4 से 8 महीने की मादा पशुओं, जिसमें पारी या बाछी हो सकते हैं, उन्हें निःशुल्क ब्रुसेलोसिस टीकाकरण दिया जा रहा है। ये कार्यक्रम 29 जुलाई तक चलेगा। ये टीकाकरण घर घर जाकर आपके पशुओं को निःशुल्क दिए जाएंगे। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप 0612226049 पर संपर्क कर सकते हैं। यदि इससे संबंधित किसी तरह की शिकायत आपको दर्ज करवानी है तो आप 0612223942 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार में आयोजित श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं को मिल रही कई सुविधाएं। बिहार में श्रावणी मेले का आरंभ हो चुका है। इसके तहत सुल्तानगंज से बिहार बॉर्डर तक कांवरिया पथ पर कांवरियों की सुविधाओं के लिए कई चीज़ें उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिसमें अबरखा में स्वागत द्वार का निर्माण, कांवरियों के आवासन के लिए सुविधायुक्त टेंट सिटी में 600 बिस्तरों की व्यवस्था, खैरा टेंट सिटी में 200 बिस्तरों की व्यवस्था, इसके अलावा धोबाई और सुल्तानगंज में भी 200-200 टेंट सिटी की व्यवस्था, सुल्तानगंज में गंगा आरती के लिए पंडाल का निर्माण और घाट पर बैठने की व्यवस्था आदि की गई है। टेंट सिटी में सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा सुल्तानगंज में प्रशासनिक ब्लॉक और मेडिकल ब्लॉक का निर्माण करवाया गया है। साथ ही स्वच्छता से संबंधित सभी चीजों पर विशेष ध्यान दिया गया है। किसी तरह की परेशानी होने पर आप हेल्पलाइन नंबर 1800309777 पर संपर्क कर सकते हैं। ITR फाइल करने में हो गई है गलती तो ऐसे करें सुधार। आप में से कई लोग होंगे जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते होंगे। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ITR फाइल करने के दौरान कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ गलत चीज़ें दर्ज हो जाती हैं या कुछ चीज़ें दर्ज करनी छूट भी जाती हैं। अगर आपने भी ऐसा कर दिया है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी गलती होने पर आप ITR फाइल का डिस्कार्ड ITR ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। फिर यहाँ अपने क्रेडेंशियल्स के साथ पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। फिर यहाँ ई फाइल टैब पर क्लिक करें, आगे इनकम टैक्स रिटर्न में ई वेरीफाइड रिटर्न के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, यहाँ पर आप अनवेरीफाइड ITR पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने पर आगे ई वेरीफाई और डिस्कार्ड दो ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ डिस्कार्ड पर जाएं। ध्यान रखें, इसका इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब आपने इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई नहीं किया हो। पटना हाई कोर्ट ने भोजपुर पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। भोजपुर जिला से एक नाबालिग बच्ची के लापता होने की खबर सामने आई थी। बच्ची 11 महीने से लापता है, लेकिन बच्ची कहाँ है इसका अभी तक पुलिस पता नहीं लगा सकी है। इस मामले में पटना हाई कोर्ट ने भोजपुर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि पुलिस एक दो लीटर शराब पकड़ कर अपने आप को शेर समझती है, लेकिन शराबबंदी कानून के तहत टैंकर और बड़े बड़े सिंडिकेट को क्यों नहीं पकड़ पाती है। आगे अदालत ने पुलिस को फटकार लगाते हुए इनके कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। इन आसान स्टेप्स से घर बैठे बना सकते हैं आयुष्मान कार्ड। अब घर बैठे भी आप आसानी से आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको आयुष्मान कार्ड ऐप मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करने होंगे। फिर यहां आने के बाद आप लाभार्थी हैं या संचालक इसके ऑप्शन पर को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद अपने मोबाइल नंबर दर्ज करें, फिर OTP और कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेंगे। फिर इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर आसानी से आपका आयुष्मान कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे विश्व शांति स्तूप के बारे में। यह स्तूप बिहार के राजगीर जिले में स्थित है। इसमें आपको एक छोटा जापानी बौद्ध मंदिर भी मिलेगा, जिसके अंदर बड़ा पार्क भी है। यह स्थान बुद्ध के प्रिय स्थानों में से एक रह चुका है। इसका निर्माण संगमरमर के पत्थरों से किया गया है और इसके चारों तरफ कोने पर बुद्ध की आकर्षक मूर्तियां देखने को मिलती हैं। यहां तक पहुंचना काफ़ी रोमांचक है, आप रोपवे की मदद से यहां आ सकते हैं। यहां से प्राकृतिक नज़ारे भी बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। BPSC की तरफ से बहाली हुए 10 शिक्षकों के कागजात में मिली गड़बड़ी। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बहाल हुए 10 शिक्षकों के कागजात में गड़बड़ी पाई गई है। इन शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में गड़बड़ी पाई गई है। इस मामले को लेकर औरंगाबाद DPO और स्थापना दया शंकर सिंह ने जानकारी दी है कि जिन भी शिक्षकों के प्रमाण पत्र में गड़बड़ी पाई गई है उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। DPO के पत्र में के जरिए कहा गया है कि आप सभी के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में हुई है। आपके द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक के लिए समुचित नहीं है। विज्ञापित पद के लिए आवश्यक अर्हता धारण नहीं करने के बावजूद आपके द्वारा आवेदन किया गया तथा आवेदन में असत्य सूचना अंकित कर विभाग को देख भ्रमित करने का प्रयास किया गया। बिहार की बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने शेयर किया ये वीडियो। बिहार से अपना संबंध रखने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा इन दिनों अपने वर्कआउट पर काफ़ी ध्यान दे रही हैं। अभी हाल में इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वर्कआउट का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में नेहा वाइट लूज टी शर्ट और ब्लू शॉर्ट्स में वर्कआउट करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो में नेहा शर्मा ने कैप्शन दिया है कि जब मेरी बहन ने कहा कि मेरी ट्रिप से मिला टैन मुझ पर बहुत अच्छा लग रहा है। इस वीडियो को नेहा शर्मा के फैंस काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इस रक्षाबंधन में डाक विभाग की अनोखी पहल। जल्द ही भाई बहन के प्यार का त्यौहार राखी आने वाला है। ऐसे में रक्षाबंधन से पहले डाक विभाग द्वारा एक अनोखी पहल शुरू की गई है। बिहार के जिन शहरों में से सबसे ज़्यादा राखी की बुकिंग होती है उनमें से 5 शहरों का चयन डाक विभाग ने किया है, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा का नाम शामिल है। डाक विभाग इन शहरों के मुख्य डाकघर में 4 रंगों के बॉक्स रखेगा और हर बॉक्स में अलग अलग शहरों की राखी डाली जाएगी। बहनें अपने भाइयों के लिए अपनी सुविधा के मुताबिक बॉक्स में राखी रखेंगी, फिर वो राखी 3 से 4 दिनों में महानगरों में पहुंच जाएगी। डाक विभाग की कोशिश रहेगी कि इस त्यौहार बहनों की राखी उनके भाइयों तक समय पर पहुँच जाए। खाली जमीन को किसी के हथियाने या कब्जा करने का है डर तो करे ये काम। अक्सर खाली जमीन पर किसी के कब्जा करने या हड़प लिए जाने का डर बना रहता है। जमीन खरीदने में लोगों के जीवन की कमाई हुई अच्छी खासी पूंजी चली जाती है। ऐसे में कोई इसे हड़प ले या कब्जा कर ले तो ये बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है, लेकिन इस परेशानी को देखते हुए सरकार इसका हल लेकर आई है। इस परेशानी से निजात पाने के लिए जरूरी है कि आप अपने जमीन या घर किसी भी तरह के अचल संपत्ति को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। यदि आप ऐसा करवाते हैं तो इसे दूसरे के कब्जे से छुड़वाना सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। बिहार में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए आनंद विहार के लिए सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन।
भारतीय रेलवे द्वारा मुजफ्फरपुर से हाजीपुर, पाटलिपुत्रा, दीनदयाल उपाध्याय और प्रयागराज के रास्ते आनंद विहार के लिए एक स्पेशल सुपर फास्ट ट्रेन का चलाने का निर्णय लिया गया है। ट्रेन का संचालन 28 जुलाई से 31 दिसंबर तक हर रोज होगा। ट्रेन में यात्रियों के लिए 20 स्लीपर कोच और 14 आरक्षित व 6 अनारक्षित कोच रखे जाएंगे। गाड़ी संख्या 05219 मुजफ्फरपुर से आनंद विहार तक जाने वाली आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्रतिदिन दोपहर 1:30 बजे खुलकर 2:30 बजे तक हाजीपुर, 2:45 पर सोनपुर, 3:40 पर पाटलिपुत्रा, शाम 4:13 पर दानापुर, 4:43 पर आरा, शाम में 5:28 पर बक्सर, वहीं देर शाम 7:15 पर दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, रात 9:05 पर प्रयागराज, वहीं 11:15 पर गोविंदपुर रुकते हुए अगले दिन सुबह 6 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। झारखंड चुनाव को लेकर 11 सीटों की नीतीश कुमार को मिली सूची। झारखंड में आने वाले 2 से 3 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को लेकर जदयू की तैयारी शुरू हो चुकी है। चुनाव के सिलसिले में नीतीश कुमार के आवास पर बैठक भी आयोजित हुई। इस बैठक में पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और सांसद खीरू महतो पटना पहुंचे थे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने झारखंड में चुनाव की तैयारियों में जदयू झारखंड के पदाधिकारियों को जुटने का आदेश दिया है। इस बैठक को लेकर खीरू महतो ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हमने फिलहाल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को 11 सीटों की सूची सौंपी है। हम आगे उम्मीदवार बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। आज 38 डिग्री तक जा सकता है प्रदेश में अधिकतम तापमान। प्रदेश में कई जगहों पर हल्की फुल्की बारिश देखने को मिली है, लेकिन अभी भी लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। आज भी प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही बिहार के पूर्व और उत्तर मध्य भागों में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात होने की संभावना जताई गई है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान कुछ जगहों पर 36 से 38 डिग्री और कुछ जगहों पर 34 से 36 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। जाने गाड़ी बेचने के बाद इस पर लगे फास्टैग का क्या होता है? अगर आप अपनी गाड़ी बेचने की सोच रहे हैं और उस पर फास्टैग लगा है तो आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि गाड़ी बेचने के बाद फास्टैग का क्या होगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह जब हम किसी हाईवे के जरिए जाते हैं तो टोल टैक्स चुकाने के लिए फास्टैग का इस्तेमाल होता है, इसलिए गाड़ी पर फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में जब हम उस गाड़ी को ही बेचने की सोच रहे हों तो फास्टैग का क्या होता है ये समझ नहीं आता, तो आपको बता दें कि जब भी आप अपनी गाड़ी बेचते हैं तो आपको उस गाड़ी का फास्टैग बंद करवाना होता है। आप जिस भी शख्स को अपनी गाड़ी बेचेंगे वो व्यक्ति अपने नाम से गाड़ी का दूसरा फास्टैग बनवाएगा। अब NNAC यानी NAC पहले की तरह नहीं देगी ग्रेडिंग। अब देश के विश्वविद्यालयों का तय होगा लेवल। देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की मूल्यांकन प्रक्रिया में परिवर्तन करते हुए राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद यानी NAC ने शोध नवाचार, ग्रीन एक्टिविटीज़ को शामिल किया है। नई राष्ट्रीय नीति 2020 लागू कर दी गई है, जिसमें शिक्षण संस्थानों के काम का मूल्यांकन करने का पैमाना राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद द्वारा तय कर दिया गया है। जिसे अब राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद पहले की तरह ग्रेडिंग नहीं देगी, बल्कि केवल लेवल तय होंगे। इसके अलावा सेंटर फॉर एक्सीलेंस का दर्जा सर्वोत्तम संस्थानों को दिया जाएगा। सुनील सिंह के विधान परिषद की सदस्यता जाने पर राजद का पलटवार। राजद MLC रहे सुनील कुमार सिंह के विधान परिषद की सदस्यता खत्म हो चुकी है। सुनील कुमार सिंह पर यह कार्रवाई नीतीश कुमार की मिमिक्री करने पर की गई है, जिसके बाद सुनील कुमार सिंह का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता दिखाई दे रहा है। इस पोस्टर में लिखा गया है कि झुकेंगे नहीं साहब, चाहे जो भी कर लो। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर राजद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। इस दौरान राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह ने कहा कि सुनील सिंह की सदस्यता खत्म किया जाना लोकतंत्र में खतरे की घंटी का संकेत है। संसद में सांसद राजीव प्रताप रूडी के जवाब से अध्यक्ष भी हो गए हैरान। छपरा से सांसद राजीव प्रताप रूडी को जब संसद में कार्यवाही के दौरान अपनी बातें रखने का मौका मिला तो वे इस दौरान में धारा प्रवाह अंग्रेजी में अपनी बातें रखने शुरू कर दिए। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें टोका और कहा कि आपके इलाके के जो मतदाता हैं वो मेरी समझ से हिंदी ज़्यादा समझते हैं। इस पर राजीव प्रताप रूडी ने जो जवाब दिया इसे सुनकर सभी हैरान हो गए। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि बीच बीच में सदन को ये भी बताना होता है कि हमें अंग्रेजी बोलने आती है। आगे उन्होंने स्पीकर को कहा कि आप तो जानते हैं लेकिन बिहार के नेताओं को लेकर जो इमेज बनी है, कई नए सांसद चुनकर यहाँ आए हैं, उन्हें ये बताना जरूरी है कि हमें भी अंग्रेजी आती है।
अपने विरोधियों को प्रशांत कसो ने दिया जवाब। अपने विरोधियों पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत कसो ने बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हम बिहार इस बार जनता का ठेका लेकर आए हैं ताकि जनता के लिए काम कर सके। अभी तर्कस में कई तीरे बाकी हैं। बिहार में कई लोग कह रहे हैं कि पदयात्रा हो गया, अब क्या करेंगे। मैं उनको बतला दूं कि अभी इससे बड़ा बुलेट दागना बाकी है। आगे प्रशांत कसो ने कहा कि जब हम पदयात्रा में आए थे तो 150 लोगों के साथ आए थे, लेकिन आज हजारों से भी ज्यादा लोग जनसुराज के साथ जुड़ गए। पहले T20 में श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम की बड़ी जीत। श्रीलंका के खिलाफ भारत ने T20 सीरीज का पहला मुकाबला जीतकर अपने नाम कर लिया है। वर्ल्ड चैंपियन भारत ने ये मुकाबला 43 रनों से अपने नाम किया है। 5 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम ने 1-0 से बढ़त हासिल की है। ये मुकाबला श्रीलंका के इंटरनेशनल स्टेडियम पल्ले केले में हुआ था। इस दौरान श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 213 रन बनाए थे। अब 28 जुलाई को भारतीय टीम दूसरा मुकाबला खेलने वाली है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1979 में चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री बने थे। आज के दिन वर्ष 1933 में तरलोचन सिंह का जन्म हुआ था। ये दुनिया भर में सिख समुदाय के हक और बेहतरी के लिए जाने जाते हैं। आज के दिन वर्ष 1957 में अनिल जन विजय का जन्म हुआ था। ये पेशे से हिंदी के कवि, लेखक और रूसी व अंग्रेजी भाषा के साहित्य अनुवादक थे। आज के दिन वर्ष 1983 में भारतीय कलाकार, चित्रकार, उद्यमी सुविज्ञ शर्मा का जन्म हुआ था। टावर लगाने के लिए भू अधिग्रहण से संबंधित भारत सरकार का वायरल हो रहा है ये लेटर। सोशल मीडिया पर एक फर्जी पत्र वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि एक निजी कंपनी भारत सरकार के लिए टावर लगाने के लिए जमीन का अधिग्रहण कर रही है। इसके लिए कंपनी भू स्वामियों को 30 लाख रुपए एडवांस और 25,000 रुपए हर महीने भुगतान किए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया गया है, इसलिए वायरल हो रहे इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचें। जानिए क्या है गूगल का ये खास डूडल। इन दिनों गूगल पर एक खास तरह का एनिमेटेड डूडल देखने को मिल रहा है। कई लोगों को शायद इसके बारे में नहीं पता कि आखिर गूगल का ये डूडल हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अगर आप भी इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि गूगल पेरिस में आयोजित समर ओलंपिक गेम को सेलिब्रेट कर रहा है, जो 26 जुलाई से शुरू हुआ है और 11 अगस्त तक चलने वाला है। गूगल के इस डूडल में कुछ जानवर और पक्षी गेम खेलते नजर आ रहे हैं। गूगल अक्सर कुछ खास मौकों पर इस तरह की चीजें सेलिब्रेट करता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि बिहार पुलिस, बीपीएससी, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहाँ जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी अगरतला, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका सही उत्तर है अगरतला। हाल ही में ब्रांड टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज कौन बने हैं। ऑप्शन ए ट्रेंट बोल्ट, ऑप्शन बी है कासेगो राबरा, ऑप्शन सी है स्टुअर्ट वार्ड, ऑप्शन डी है रविचंद्रन अश्विन। इसका सही उत्तर है स्टुअर्ट वार्ड। हाल ही में RBI ने किस राज्य में स्थित यूनाइटेड बैंक कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सरकार के सहयोग से हुआ था। ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है मॉरिशस। इसका सही उत्तर है चीन। बिहार में सामान्य स्कूल प्रणाली आयोग का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए है अगस्त 2005, ऑप्शन बी अगस्त 2006, ऑप्शन सी है नवंबर 2006, ऑप्शन डी अप्रैल 2007। इसका सही उत्तर है अगस्त 2006। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब उनके नाम है नंद कुमार सिंह, मोहम्मद असगर कमाल, शिवचंद्र मंडल कुमार, पंकज कुलवंत सिंह, विकास दास, अखिलेश यादव, बिरजू कुमार, मनीषा कुमारी, रितेश कुमार सिंह, हसनैन सैफ, मुस्कान राइन। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए सरकार को क्या क्या सख्त कदम उठाए जाने चाहिए, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।